तो शाओमी के रोबोट वैक्यूम क्लीनर के साथ मैंने एक और एक्सपेरिमेंट करा। मैंने इसे किचन के स्लैब पे रख दिया जो कि 2.5 फीट ऊंचा है, और अगर ये ऊपर से गिरा तो भाई इसका तहस नहस हो जाएगा। एंड मैंने इसे ऑन कर दिया कि चलो अपने घर को अब ढूंढ लूं। दोस्तों सबसे पहले ये गोल गोल घूम करके अपने डॉकिंग स्टेशन को ढूंढा और उस तरफ बढ़ने के लिए जैसे ही कोशिश किया तो देखा कि नीचे तो भाई गड्ढा है, और वो अचानक से पीछे हट गया। ये कुछ ऐसे पीछे हट गया जैसे बच्चे नहीं गहराई से डर करके अचानक से पीछे हट जाते हैं, बिल्कुल वैसे इसने रिएक्शन किया। मैंने बहुत देर तक इसे ढूंढने दिया दोस्तों, लेकिन फिर भी ये नहीं गिरा स्लैब से, ये काफी कमाल की बात थी। तो फिर मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। मैंने इसे उठा करके दो प्लास्टिक के चेयर्स के बीच में रख दिया जिनके लेग्स की जो चौड़ाई थी वो इसके चौड़ाई से थोड़ी सी कम थी, तो ये आसानी से नहीं निकल पाता एंड इसका डॉकिंग स्टेशन पे जाने के लिए इसे उल्टे रास्ते से आना पड़ता। पर पता है इसने क्या किया, पहले तो इसने थोड़ी देर तक ढूंढा कि भाई किस रास्ते से जाऊं, एंड फाइनली गुस्से में आकर के प्लास्टिक के लेग्स को धक्के मार मार के स्प्रेड कर दिया और ये उससे निकल गया। व्हाट,